अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जो कि पीएफ की तरफ से है, पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड की तरफ से। लेकिन इस बार जो स्कॉलरशिप है वो पंजाब वालों के लिए नहीं है बल्कि केपीके फाटा स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्कॉलरशिप पीएफ की तरफ से है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों आपने jobs24pk.com वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप jobs24pk.com वेबसाइट पे आएंगे, आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। सिंपली यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब में साथ में स्कॉलरशिप एंड इंटर्नशिप्स का एक सेक्शन मिलेगा, इसमें भी आपको इसकी पोस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट में इसकी जो है पोस्ट मिल जाएगी। मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो ये मेरे पास ओपन हो चुकी है और इसमें आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं 95, इसमें 48 इंटरमीडिएट वालों के लिए होंगी, 32 ग्रेजुएशन वालों के लिए और 15 स्कॉलरशिप फाटा वालों के लिए होंगी। तो इसमें क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मैट्रिक, FFSC, BA, BSc, प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, उसके बाद डेडलाइन है इसमें, लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 फरवरी 2019। क्राइटेरिया आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, आपका जो डोमिसाइल है वो केपीके फाटा का होना चाहिए। उसके बाद आपने जो मिडल, मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास किए हों 2018 में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप दूसरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं कि आपकी कुल माहाना आमदनी जो है 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, जिसमें आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2018 में आपने जो है अपना लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो और 60% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह अप्लाई करना है, वो भी यहाँ पे नीचे नोट में लिखा गया है। आपको पीएफ की वेबसाइट से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।